हेलो, मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी RV। तो जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं कृपया कर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज के हम लोगों का टॉपिक है हेक्सा फ्रेम। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हेक्सा फ्रेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये हैंडल है। हैंडल जो होती है ये लकड़ी की बनाई जाती है, ठोस लकड़ी की। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये हम लोग, ये एक लोहे का यहाँ छल्ला लगा होता है जिसे हम लोग फेरुल कहते हैं। फेरुल, ये फेरुल क्या काम करती है, हैंडल को फटने से बचाती है। जब मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम लोग हैंडल में फिट करते हैं तो हैंडल का ऊपरी फेस या हिस्सा फट ना जाए, इसलिए इसे फेरुल लगाया जाता है ताकि ये हैंडल को सुरक्षित रख सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं फ्रेम। ये फ्रेम जो होती है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर C के समान होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले इस वाले भाग को। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं प्रोंग्स, इसे प्रोंग्स कहते हैं ये वाला हिस्सा। ये प्रोंग्स जो होती है बीच से कटी होती है ताकि इसके अंदर हम लोग ब्लेड को लगा सके। तो ब्लेड को लगाने के लिए यहाँ पे प्रोंग्स बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर ब्लेड को टाइट और ढीला करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये पिन लगाया जाता है। ये पिन जो होती है ये ब्लेड के फेस को पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। तो जैसे यहाँ पर इस पिन को हम लोग निकाल देते हैं तो ये ब्लेड निकल जाती है। तो इस ब्लेड को पकड़ने के लिए ये पिन आवश्यक होती है। इस पिन को पुश कर देंगे हम लोग, पुश करने के बाद ये लॉक हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लेड को टाइट फिट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये विंग नट लगी होती है। इस वाले हिस्से को हम लोग, इसे विंग नट कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ से विंग लगी होती है और इसे अंगूठे के हल्के दबाव से कसा या खोला जा सकता है। तो ये इसे कसने और खोलने में काफी आसानी होती है, इसलिए हम लोग इसमें विंग नट का प्रयोग करते हैं। तो विंग नट के साथ साथ यहाँ पर अधिक हम लोग वाशर लगा देते हैं। वाशर क्या करता है, इस होल वाले भाग के क्षेत्र के ऊपर ये एक दबाव को सुनिश्चित करता है ताकि ब्लेड के हिस्से को वो टाइट पूरी तरह से पकड़ सके। तो यहाँ पर ये हिस्सा हमारा ब्लेड लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट जो है ब्लेड लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा है फर्म, ये यहाँ पर फर्म होता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये फर्म बनाया जाता है। ये फर्म इसलिए बनाई जाती है ताकि इसके अंदर में प्रोंग्स को लगाया जा सके। प्रोंग्स को लगाने के बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसके ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है। ये थ्रेड जो होती है BSW थ्रेड होती है। इस BSW थ्रेड का एंगल जो होता है वो 55 डिग्री का होता है। तो सामान्य तौर पर हम लोग ज्यादातर BSW थ्रेड का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये ब्लेड जो इसमें लगाई जा रही है, तो ब्लेड को लगाते समय हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लेड का फेस यानी कि ब्लेड की जो टिप होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आगे की ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ब्लेड का ये फेस जो है ये आगे की ओर है। तो ये हिस्सा अगला भाग होता है और ये पिछला हिस्सा होता है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये हिस्सा जो है हमेशा, ये हिस्सा हमेशा आगे की ओर होना चाहिए, यानी कि ये स्ट्रेट हल्का दिख रहा है वो पॉइंट आगे होना चाहिए और जो नुकीला भाग है ये इधर की ओर दिखना चाहिए।
तो काटने के लिए इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से रखते हैं। तो ये हो गया ब्लेड लगाने की स्थिति। तो ब्लेड लगाने के लिए हमेशा हम लोग इसको आगे की ओर रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो फ्रेम है हमारा, इस फ्रेम को हम लोग फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम कहते हैं, क्योंकि इसमें साइज जो होता है इसका फिक्स होता है। इस साइज को ना तो हम लोग घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, और इसमें सामान्य तौर पर एक ही साइज की ब्लेड लगाई जाती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसके मटेरियल के बारे में। तो इसके फ्रेम जो होते हैं ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ज्यादातर हेक्सा फ्रेम जो होते हैं माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, और हेक्सा फ्रेम जो होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया फिक्स्ड, एक होता है एडजस्टेबल। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम क्या होती है, यहाँ पर बीच से कटी होती है और ये कहीं पे भी एडजस्ट हो सकती है, और उसमें किसी भी साइज के ब्लेड को हम लोग लगा सकते हैं। उसमें 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, किसी भी साइज के ब्लेड को हम लोग उसमें फिट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी होती है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में क्या होती है, वो फ्रेम जो होती है इस प्रकार से सॉलिड फ्रेम के समान ही होती है, लेकिन सॉलिड फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि ब्लेड से इसके बीच की जो लंबाई होती है ये 80 से 100 mm तक होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये डेप्थ दिया हुआ है ये 80 से 100 mm तक होता है, और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में ये डेप्थ जो होती है 200 mm की होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई जो होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए उसे हम लोग डीप हेक्सा फ्रेम कहते हैं। तो ये था हमारा तीन प्रकार का हेक्सा फ्रेम। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हैंडल के अकॉर्डिंग। तो हैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रेट हैंडल, और एक होता है गन टाइप हैंडल। तो इसमें हैंडल अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे। तो ये था हमारा हेक्सा फ्रेम, और मिलते हैं अब अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी न्यू व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और जिनकी को कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।